बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, ऑसम, बोलना पड़ेगा ना, वो तो बहुत बोलोगे नहीं तो अमेजिंग। खाने को नहीं लाया नहीं, बहुत अच्छा बना। नहीं, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। इस ब्लॉग में आज हम तैयार करेंगे राजस्थानी थाली। राजस्थानी जो खाना होता है ना, बहुत ज्यादा स्वाद होता है, और उसमें बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। कि राजस्थानी खाना होता है उसमें दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी और कढ़ी, ये तो होते ही होते हैं, यानी ये आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। पर उससे अलग भी कुछ चीजें आज मैं तैयार करूंगी। तो सबसे पहले दाल बाटी के लिए हम दाल तैयार करेंगे। तो दाल इसलिए मैंने पहले से गला के रखी थी कि अगर गली हुई दाल होती है तो जल्दी पक जाती है, और गली हुई दाल में ना पानी भी कम पड़ता है। ये मैंने खट्टी मीठी जो चटनी होती ना, वो पहले से ही बना के रखी हुई है, कल ही बना ली थी। मैं यहाँ पर दही वाली कढ़ी बना रही हूँ, और आप चाहे तो छाछ से भी कढ़ी बना सकते हैं। जो छाछ होती है ना खट्टी वाली, उससे भी कढ़ी बहुत अच्छी बन जाती है। जब भी कोई कढ़ी बनती है ना, तो उसमें मेथी जरूर डालें आप। जब भी आपको कढ़ी बनाए तो उसमें मेथी जरूर डालें, मेथी के बिना कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ना, देखिए पानी डाल देते थोड़ा सा। ये उबाल आया ना, तो इसको अब हम लो कर देंगे, और कम से कम 10 मिनट तक उबालेंगे। चलिए फटाफट दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब बारी है गट्टे बनाने की। तैयारी भी शुरू हो गई हमने। ये गट्टे बन रहे, हाँ, और ये है दाल उड़द की, तो दही हाँ, बड़ों की लग रही तैयारी। हाँ बहुत बढ़िया, आज मजा आने वाला है खाने में, और साथ में बहुत बढ़िया मेरे लिए। क्या कुछ काम हाँ करेंगे, क्यों नहीं करोगे? करेंगे, काम अच्छा, तो हम करना चाहिए दाल, ना। आज हैप्पी फ्राइडे है, और आज ऑफ मतलब है, वीकेंड है, तो पत्नी की हेल्प तो करा ही सकते हैं, उसमें क्या है। अच्छा ठीक है। तो क्या तुम करो, तो ये उड़द की दाल जो देख ली ना आपने, अब इसको धो के और पीसना है। दही बड़े भी बना देते हैं हम तो, हाँ, उसमें क्या है नहीं पूरे। बनाना मत, बना हम लेंगे, बस पीस दो। तो ये दाल भी उबल गई, इसमें तड़का लगाना है। इसी एकदम परफेक्ट, देखो ये, देखिए दोस्तों मैंने ये पीस ली दाल, सही है ना। एकदम परफेक्ट। अब इसको अब निकालो। ये गट्टे बन चुके हैं, इनको काट के रख लेते हैं चाकू से ना। फाइनली ये सारी दाल पीस दी मैंने, देखिए कितने अच्छे से, एकदम बढ़िया, अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए तो नेचुरल तरीका है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सोडा डालते हैं, सोडा डालने की जरूरत तो नहीं है। हींग के साथ में फेट के आप बनाएंगे तो स्वाद भी अच्छा आता है, और फ्लफी बनते हैं, फूले फूले। अभी हम ये जो गट्टे हैं ना, इसमें से थोड़े से गट्टे फ्राई कर लेते हैं। सब्जी के लिए नहीं फ्राई करेंगे, कुछ और बना रहे हैं तो उसके लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसकी एक ट्रिक सीखी है मैंने शालिनी किचन में, कि ये इसको चेक कैसे करना है, मुझे याद है, कप में डाल के पानी डाल के है। हाँ हाँ याद है आपको? याद तो नहीं होगा, मैं तो देखे पानी ले लोगे खुद ही, मैं खुद ले लेंगे। दे देते अगर ये तैरने लगे, तैर रही है बिल्कुल ही, देखिए आप, ये डूबी नहीं है, ये तैर रही है, इसमें दिख रहा है आपको, देखिए ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब होता है कि जो है दाल फिट चुकी है आपकी अच्छे से। ये देखिए ये जो चीजें अभी पिसने वाली हैं सारी, और इसके बनने वाली है कढ़ी मेरे साथ में। ये गट्टे मैंने फ्राई कर लिए हैं, और अभी कढ़ाई में तेल है, वो कढ़ाई भी गर्म है, तो इसमें ना बड़े तल लेते हैं, तो तेल और थोड़ा सा डाल के। टमाटर देखो, कपड़ा साथ में लेके बैठे हैं पहुंचने के लिए, है तो वो तो होगा ही ना, थोड़ा बहुत तो बिना बताओ एक नहीं, दिन नहीं के लिए कैसे हो गिरना है। जाएगा, वो तो बात सही है, वो तो सही है। कोई भी करेगा तो 2-3 बूंद तो फैलता है, ये चाहती है कि हवा में पिस जाए सब, और एक दाना भी ना गिरे पानी का, ऐसा हो सकता है, बताओ कौन कर लेगा ऐसे। बह देगी, बह कपड़ा लेके खड़ा है। देखो
देखो गंदी कर दी, देखो फैला दिया, फैला दिया, क्या फैला, कुछ भी प्रूफ कर दो तो सफाई करते जा रहे हो साथ साथ, नहीं बन रहा है जो दो रहा है यहां पे महाभारत हो रही है। इनकी ग्रेवी दो सब्जियों के लिए तैयार की है और मैंने दाल पीस के दाल रेडी कर दी थी फेंटने के बाद में, तो उसके बड़े तैयार हो रहे हैं। थर्ड काम आप करो, आप क्या करो, चॉप कर दो टमाटर प्याज बारीक, हाँ चॉपर से ही करोगे, कर दो जिससे भी ठीक है। एक प्याज दाल के लिए टमाटर, ये तैयार हो चुके हैं। ये दूसरा जो सेट है इसका ये भी रेडी हो गया। पापड़ के लिए पापड़ मैं तल देता हूँ, इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ चमीटा। चमीटा आप जानते होंगे, कढ़ाई की जगह ये कढ़ाई, ये जरिए की जगह कलछी की जगह मुझे ये चमीटा पसंद है। इससे पापड़ जो है सूख भी जाता है आसानी से, निकालने बहुत आसानी रहती है। देखिए पलटा इसको फटाफट वही निकला, इतनी ज़्यादा मतलब तेज है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में तल रहे कि ऑलमोस्ट मैं दूसरा पापड़ के टाइम पे बंद कर दी थी और अभी 6-7 पापड़ हम निकाल चुके हैं, अभी भी बराबर एकदम बढ़िया पापड़ तल रहे। तो लास्ट पापड़ है, ज़्यादा तेज में जो है लाल हो जाते हैं, जल जाते हैं, करेक्ट। तो ये लास्ट पापड़ है, ये भी कढ़ाई बंद करने के साथ ही हो गया, तो स्मार्ट में थोड़ी गैस बचा ली। एकदम फ्रेश हरी, एकदम सुखी कटी है, देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। तो ट्रिक हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि मिंट धनिया मिर्च के साथ में थोड़ा 2 चम्मच दही डाल दीजिए आप फ्रेश, तो उससे जो है ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, ये मैंने पर्सनली फील किया। देखिए एकदम मिट्टी की सब्जी बन रही है, अब मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो पनीर मैंने सोचा नॉर्मल सादा पनीर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी नहीं बनाना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, सारी चीज़ें बना के रख ले रही हूँ, तो बस लास्ट में मैं आपको थाली को परोस के दिखाऊंगी। तो जल्दी जल्दी बना के रख लेते हैं। सारा खाना बन चुका है, मैंने इसको टेबल पर रख लिया है, अब बारी है थाली लगाने की। तो चलिए फटाफट से हम थाली परोस लेते हैं। तो ये गई यहाँ पर थाली में सबसे पहले दाल, राजस्थानी कढ़ी, ये यहाँ पर गट्टे की सब्जी, पापड़ की सब्जी, पनीर की सब्जी, जीरा वाले आलू, और साथ ही साथ यहाँ पर ये रहे दही बड़े, सलाद, हरी चटनी, बाटी और चूरमा और पूड़ी, और ये रहे गट्टे वाले पुलाव और छाछ। और अब रख देंगे इसमें थोड़ा सा पापड़। ये थाली बनके तैयार हो गई है, इसको मैंने अच्छे से परोस के रख लिया है, अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो घर में बहुत सारे लोग हैं, हमारे देवर भी हैं, तो सबसे पहले हम अपने देवर को दूंगी ये थाली और वो टेस्ट करके बताएंगे उन्हीं को। आजो आजो, चलो 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 चलो। देखो भाई बुरा नहीं, अगर बुरी बनी तो प्लीज बोलना मत कि बुरी बनी। बहुत टेस्टी होगी, बहुत अच्छी लगेगी, देख के थोड़ा ना समझ आएगा। चलो खाओ, पहले क्या खाओगे आप, जो पहले टेस्ट कर लो। स्पून देंगे आप, नहीं बहुत अच्छी लगी, पहले आप ही टेस्ट करो साथ में। नहीं आप करो टेस्ट, बहुत ही टेस्टी, ऑसम बोलना पड़ेगा ना, वो तो बोलो मेरे तो खाने को बुलाया है। बहुत अच्छा बना, नहीं बहुत अच्छा बना है, आप ही टेस्ट करो, आप ही टेस्ट करो, नहीं बहुत अच्छा बना। अब अगर बोलेंगे नहीं अच्छा तो फिर खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं किसी में सब्जी कटेगी नहीं, सब लोग आ जाओ, हम सब बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम। शिवा का नहीं आया, हम सब आपके साथ अगले नई रेसिपी में या फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।